ढोलकपुर के मेले में इतने सारे व्यापारियों ने अपनी दुकान लगाई है, मन करता है सब कुछ खरीद लूं। क्या हुआ उस्ताद? घंटी नहीं बजी। कहाँ जा रहे हो भीम? हम तो बड़े झूले पर झूलने जा रहे हैं। चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मैं कोई बच्चों की तरह झूला वूला नहीं झूलता। अगर दम है तो जरा ये हथौड़ा उठाओ और फिर घंटी बजा कर दिखाओ। अरे ये क्या, कहीं यहाँ पर भी जादुई रेत का तूफान तो नहीं आ रहा? जादुई रेत का तूफान? ये कैसा तूफान है? तुमने नहीं सुना? महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम हाकम है और मैं रेत की घड़ी बनाने वाला व्यापारी हूँ। आपके लिए मैं ये सबसे शानदार घड़ी तोहफे में लाया हूँ। हमें आपका तोहफा बहुत पसंद आया। अब आएगी ढोलकपुर पर मुसीबत की घड़ी। आसमान से रेत की बारिश हो रही है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ चुटकी। आसमान से रेत तब तक बरसेगी जब तक ढोलकपुर भी रेत में धस नहीं जाता। हर राज्य को मैं अपनी घड़ियों में कैद करूँगा, फिर तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक लकड़ी के हथौड़े से मेरी घड़ी का कांच टूटने वाला नहीं है भीम। अब तुम सबको कोई नहीं बता सकता। सब लोग रेत के ऊपर रहने की कोशिश करो। अपने आप को रेत में धंसने मत दो। क्या हुआ चक्कू? चलो राजू बाहर खेलने चले, समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। नया खेल सोचे? कौन सा नया खेल? माँ ने मोती चूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, चक्कू उफ बर्फी।
अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ ये मेरी पतंग उस्ताद। जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तू जाकर देखो रास्ता साफ है क्या, जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा, एक बार देख तो लेते हैं। कालिया उस्ताद, कालिया उस्ताद। तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो, हम कालिया के साथ निकले? यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम। शानदार योजना थी, अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। Hmm.
तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। जगह का मुझे निकालो। चलो अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी। ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के तीन डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम, अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और दो होंगे। अब सुनो। आ, 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 आ,
मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे पहुँच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है, अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खिया मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूंगा। मक्खियों उपा। जाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी जूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ।
क्या है? देखा मेरा कमाल? भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। Hey!
इस मौसम में बारिश? बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी? अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। मेरी चाल कामयाब हो गई। पूरा ढोलकपुर अब अच्छी जादूगरनी के आंसुओं में बह जाएगा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो और अच्छी जादूगरनी को सब सच बता दो, वरना। वरना क्या, मेरे सच बताने से भी कुछ नहीं होगा भी। ये लो भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इस जादूगरनी को। आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। उस केक ने जो भी कहा वो झूठा था। हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है। बरसात धीमी पड़ रही है भीम। कब आएगा मेरा जन्मदिन? मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए, आज ही है आपका जन्मदिन। शुक्रिया बच्चों, अब एक बार नहीं हर साल आएगा मेरा जन्मदिन। लड्डू का शौकी।